खबर चमोली के गोपेश्वर मुख्यालय से है, जहां पर मीट मार्केट के पास चल रहे अवैध गौ सदन में कई गायों को मारने का एक मामला सामने आया है। अवैध रूप से संचालित तो हो रहे गौ सदन में मवेशियों को इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमां के नीचे रखा जा रहा था, जहां पर उनके खाने और पीने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था संचालक के द्वारा नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कई गायों का मरने का एक मामला भी सामने आया। और इस मामले को लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने इसे अवैध गौ सदन कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे चल रही इस अवैध गौ सदन के खिलाफ ना तो कोई सामाजिक संगठन सामने आया है और ना ही गौवंश का राग अलापने वाले एनजीओ। बता दें कि नगर पालिका की ओर से लीसा बैंड के पास 2020 में गौ सदन बनाए गए थे, जो कि संचालित भी थे, लेकिन कुछ समय पूर्व मीट मार्केट के पास बने अवैध रूप से इन मवेशियों को स्थानांतरित कर इसका संचालन शुरू कर दिया था। तो मवेशियों के लिए बात आई है, आपने अभी देखा होगा अभी न्यूज चैनलों में भी, और हमारे जो नगर क्षेत्र में अवैध जो गौ सदन के नाम से जो गौ सदन चल रहा है, सारी मवेशियाँ देखो गांव गांव से आकर के मवेशियाँ वहां पर, वो जो महिला है गौ सदन के नाम पे मवेशियों को लेकर आ रही है। तो हमारे नगर क्षेत्र के जानवर है वो तो आए दिन पूरे नगर क्षेत्र में घूम रही है। तो हमारा गौ सदन के नाम पर हमने नगर पालिका का बना हुआ है।